हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को ये माइक्रम का बहुत ही सुंदर सा फ्लावर डिज़ाइन का तोरण बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें टू कलर्स के माइक्रम के कॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पे मैंगो कलर का और स्काई ब्लू कलर का मैंने कॉर्ड लिया है। दो यहाँ पे हमें 1 इंच की रिंग चाहिए, सीजर लाइटर्स चाहिए और 2 कलर के हमें यहाँ पे बेल्स चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते इसे बनाना। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 2 मीटर का मैंने कॉर्ड कट किया है, मतलब जो हमारा डोर है उसकी साइज के हिसाब से हमें कॉर्ड कट करना है। तो यहाँ पे 2 मीटर का कॉर्ड मैंने कट किया है और बीच से यहाँ पे मैंने देखिए इसका सेंटर ले लिया है, यानी दोनों तरफ से 1-1 मीटर का कॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद हमें 2 रिंग लेनी है 1 इंच की, और देखिए जो सेंटर है बीच का कॉर्ड का 2 मीटर का, इस तरह से हमें रिंग में फंसा लेना है। ये देखिए इस तरह से हम रिंग में फंसा लेंगे। और अभी देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ फंसा लिया, वैसे ही सेम हमें अभी क्या करेंगे, दूसरी तरफ लाइटर से कॉर्ड को एक दूसरे के साथ पहले हमें चिपका देना है हल्का सा मेल्ट करते हुए। तो यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ का भी पैक कर लिया, तो इसका भी सेंटर पॉइंट हमें दूसरे वाली रिंग के साथ इस तरह से अटैच कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों रिंग मैंने कॉर्ड में लगा दिया है, 2 मीटर के कॉर्ड में, डबल करते हुए 2 मीटर के कॉर्ड को। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंगो कलर का, स्काई ब्लू कलर का मैंने दोनों कॉर्ड ले लिया है। दोनों कलर के कॉर्ड्स चाहिए हमें, तो इन कॉर्ड्स को फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 1.5-1.5 मीटर में कट किया है। उसके बाद ये जो कॉर्ड है इसके ऊपर अब हमें अटैच करना है। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक कॉर्ड ले लिया है मैंने, और यहाँ पे मैंगो कलर का ये जो कॉर्ड है इसे मैंने 1.5 मीटर में कट किया, यानी 1.5 मीटर में कट किया है। और इसे हम डबल करते हुए जो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो कॉर्ड था 2 मीटर का, उसके ऊपर हमें इस तरह से एक एक कॉर्ड इस तरह से उठा उठा के अभी हमें लगाना है 1.5-1.5 मीटर का जो कॉर्ड है। तो इसके बाद मैंने ब्लू कलर का कॉर्ड ले लिया है, ये भी हमारा कॉर्ड 1.5 मीटर का है। और इसके इससे भी देखिए फ्रेंड्स, हमें डबल करते हुए इसका सेंटर पॉइंट ले लेना है, और यहाँ पे तोरण का जो फर्स्ट वाला कॉर्ड है उसके ऊपर हमें देखिए इस तरह से अटैच करना है। तो सेम प्रोसीजर से हम यहाँ पे सारे कॉर्ड्स को अटैच करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल 8 कॉर्ड हम मैंगो कलर का 1.5-1.5 मीटर का कॉर्ड यहाँ पे फंसाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में मैंगो कलर का एक कॉर्ड, फिर स्काई ब्लू कलर का कॉर्ड, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉर्ड मैंने मैंगो कलर का फंसा लिया है। इसके बाद फिर से हम ब्लू कलर का कॉर्ड फंसाएंगे, स्काई ब्लू। तो जैसे अभी देखिए यहाँ पे एक फंसा लेंगे, स्टार्टिंग में जैसे फंसाया है 1.5 मीटर का कॉर्ड यहाँ पे ब्लू कलर का ये कट किया है, तो यहाँ पे मैंने इसे फंसा दिया। तो यहाँ पे देखिए एक ब्लू फंसा दिया, इसके बाद यहाँ पे फिर हम मैंगो कलर का एक कॉर्ड फंसाएंगे। ये देखिए ये भी 1.5 मीटर का हमारा, यानी यहाँ पे जार सारे कॉर्ड्स हमारे 1.5-1.5 मीटर के हैं। तो ये देखिए एक कॉर्ड फंसा लिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डिज़ाइन के लिए मैंने कॉर्ड्स को यहाँ पे फंसा लिया है, देख सकते हो आप। इतना कॉर्ड फंसाने के बाद ये हमारा पूरा एक डिज़ाइन के लिए हो गया। अभी इतना ही कॉर्ड हम आगे के तरफ जो ये कॉर्ड है इसके ऊपर हम फंसाएंगे इस सेम कॉर्ड। तो पहले हम मैंगो कलर का कॉर्ड ले लेंगे, जिसे स्टार्टिंग में मैंगो कलर का एक कॉर्ड लगा है, वैसे फिर से हम यहाँ पे एक मैंगो कलर का कॉर्ड लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से लगा दिया। इसके बाद फिर से अभी हमें एक कॉर्ड यहाँ पे लगाने के बाद, जैसे देखिए एक ब्लू हो गया, 2 मैंगो हो गए, फिर से हमें यहाँ पे फिर से एक ब्लू कॉर्ड फंसाना है। ये देखिए 1.5 मीटर का फिर से एक ब्लू कॉर्ड यहाँ पे फंसा लेना है। अभी इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये इतना हम अलग कर लेंगे, एक मैंगो और ब्लू हो गया। तो जैसे यहाँ पे मैंने टोटल 8 कॉर्ड फंसाया है, वैसे ही अभी इस कॉर्ड पे हमें टोटल 8 कॉर्ड फंसाना है मैंगो कलर के। और इसी तरह से हमें एक एक डिज़ाइन का इस कॉर्ड के ऊपर कॉर्ड्स को फंसा लेना है। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैंने कॉर्ड के ऊपर स्टार्टिंग वाला जो कॉर्ड था उसके ऊपर मैंने सारे कॉर्ड्स को डिज़ाइन के हिसाब से मैंने कॉर्ड लगा दिया है 1.5-1.5 मीटर का। तो यहाँ पे देखिए मैंगो ब्लू लगा दिया है स्टार्टिंग में, फिर 8 कॉर्ड मैंगो लगाया है, फिर ब्लू लगाया है, फिर 2 कॉर्ड मैंगो, फिर यहाँ पे ब्लू,
फिर एट कॉर्ड। इसी तरह से फ्रेंड्स जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वैसे ही मैंने पूरा एक एक डिज़ाइन का कॉर्ड यहाँ पे लगा लिया है। तो मैंगो ब्लू, फिर एट कॉर्ड मैंगो, फिर ब्लू दो कॉर्ड मैंगो, इसी तरह से करते फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कॉर्ड्स को लगा लिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अभी हम स्टार्टिंग से यहाँ पे डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमें कॉर्ड्स को हाफ कर लेना है। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से हमें डिजाइन। और यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में एक मैंगो ब्लू है तो दूसरी तरफ भी एक मैंगो और ब्लू है। तो सबसे पहले हम यहाँ से मैंगो कलर का एक कॉर्ड ले लेंगे और इस कॉर्ड के ऊपर अभी ये जो कॉर्ड्स हैं यहाँ पे हाफ किया हुआ है, हाफ तक सारे कॉर्ड्स को हमें एक एक बार उठा उठा के और फर्स्ट वाले जो कॉर्ड लिया है मैंगो कलर का उसके ऊपर डबल डबल टाइम हम रैप करते जाएंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कॉर्ड यहाँ पे रैप करने के बाद ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे कॉर्ड का छूटते जा रहा है। इसी तरह से हमें सारे कॉर्ड्स को रैप करना है। सो फ्रेंड्स अभी फर्स्ट वाला कॉर्ड यहाँ पे हमने रैप कर लिया है फर्स्ट वाले पे, अभी सेकेंड कॉर्ड ले लेना है और फर्स्ट वाले की तरह ही सेकेंड वाले भी कॉर्ड पे सारे कॉर्ड्स को डबल डबल टाइम हमें यहाँ पे रैप करके लेना है, टाइटली चिपकाते हुए रैप कर लेना है। सो फ्रेंड्स एक तरफ मैंने दो कॉर्ड्स को रैप कर लिया है, अभी हमें दूसरी तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए कॉर्ड्स को बीच में से हाफ किया है। तो स्टार्टिंग में यहाँ से मैंगो कलर का एक कॉर्ड ले लेना है हमें। तो जैसे कि देखिए एक कॉर्ड उठा लिया है और सारे कॉर्ड्स को इसके ऊपर रैप करना है। तो जैसे फर्स्ट वाला किया है वैसे यहाँ पे सेकेंड वाले कॉर्ड पे भी सारे कॉर्ड्स को डबल डबल टाइम रैप करके लेना है। सो फ्रेंड्स दूसरी तरफ भी मैंने दोनों कॉर्ड्स को रैप कर लिया है। इसके बाद देख सकते हो आप बीच में फोर कॉर्ड्स आ गए हैं और बीच से फिर से हमें इन्हें हाफ कर लेना है। तो ये दो कॉर्ड को हम छोड़ देंगे और अभी ये जो यहाँ पे मैंगो कलर के जो कॉर्ड हैं ये देखिए इन्हें हमें इस तरह से बांट लेना है। तो यहाँ पे टोटल एट कॉर्ड हैं तो बीच में हम फोर कॉर्ड छोड़ेंगे और साइड के दो दो कॉर्ड्स को लेंगे। देखिए बीच में फोर कॉर्ड छोड़ दिया, साइड के दो दो कॉर्ड ले लिए और इनको लेके यहाँ पे हम सिंपल स्क्वायर नॉट एक लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स अभी दूसरी तरफ भी हमें देखिए टोटल एट कॉर्ड मिला है तो बीच में हम फोर कॉर्ड छोड़ते हुए और साइड के दो दो कॉर्ड्स को लेके यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट एक और लगा लेंगे, यानी दोनों तरफ हमें एक एक नॉट यहाँ पे लगा लेना है। सो फ्रेंड्स दोनों तरफ अभी एक एक नॉट लगाने के बाद अभी यहाँ पे देखिए कॉर्ड्स को हाफ कर लेना है फिर से हमें यहाँ तक, और अभी ब्लू कलर का एक कॉर्ड ले लेंगे। ये देखिए दो कॉर्ड है तो उसमें से एक कॉर्ड लेना है और इसके ऊपर अभी हमें हाफ कॉर्ड्स को डबल डबल टाइम हमें इस तरह से रैप करके लेना है। एक एक कॉर्ड को उठाना है और डबल टाइम हमें ब्लू कलर के कॉर्ड्स पे रैप करते जाना है। इसी तरह से हम सारे कॉर्ड्स को रैप करेंगे। सो फ्रेंड्स अभी देखिए दो कॉर्ड बच गए हैं मैंगो वाले, इन्हें भी हमें एक एक करते हुए ब्लू कॉर्ड पे रैप कर लेना है। सो फ्रेंड्स अभी देखिए फर्स्ट वाला कॉर्ड रैप कर लिया, फिर सेकेंड वाला कॉर्ड लेना है और जैसे फर्स्ट वाले कॉर्ड पे जितने कॉर्ड्स को रैप किया है वैसे ही सेम हमें उतने कॉर्ड्स हमें सेकेंड वाले कॉर्ड पे भी डबल डबल टाइम हमें यहाँ पे रैप करके लेना है। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला जैसे फर्स्ट वाला यहाँ पे डिज़ाइन ये बनाया है वैसे ही यहाँ पे सेकेंड वाला भी बनाना है। तो यहाँ पे भी हम ब्लू कलर का एक कॉर्ड ले लेंगे, जैसे दो कॉर्ड है तो फर्स्ट वाले कॉर्ड पे सारे कॉर्ड्स को रैप करना है, फिर सेकेंड वाला कॉर्ड लेंगे और फर्स्ट वाले की तरफ सेकेंड वाले पे रैप कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स दोनों तरफ डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लिया है, बीच में हमें फोर कॉर्ड मिल गया है ब्लू कलर का 1 2 3 4। तो अभी यहाँ पे हम सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे टोटल फोर, यानी चार नॉट हमें यहाँ पे सिंपल लगाना है।
सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल मैंने 4 नॉट यहाँ पे लगा लिए है सिंपल। फिर बीच का हमें 2 कॉर्ड ले लेना है और देखिए फ्रेंड्स इस कॉर्ड को हम ऊपर की तरफ जो गैप है दोनों डिज़ाइन में से वहाँ से हम पास करके आगे की तरफ नॉट्स को खींच लेना है। तो यहाँ पे बलूनी नॉट बन जाएगा और ये जो साइड के एक एक कॉर्ड बचे इनको लेके हम यहाँ पे सिंपल नॉट लगा लेंगे जिससे कि यहाँ पे नॉट अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक नॉट लगा लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे मैंगो कलर के 2 कॉर्ड हमें स्टार्टिंग का छोड़ देंगे और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कॉर्ड्स को हाफ कर लेना है तो टोटल यहाँ पे हमें 8 कॉर्ड मिलेगा। बीच में हम 4 कॉर्ड्स को छोड़ते हुए साइड के 2-2 कॉर्ड को लेके यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। एक यहाँ पे सिंपल नॉट लगा लेना है, देखिए हल्के हाथों से लगाना है, बहुत ज़्यादा हमें टाइटली खींच के नहीं लगाना है। ये देखिए यहाँ पे एक इस तरह से सिंपल नॉट लगा दिया और टाइटली हमें देखिए दोनों तरफ से खींच लेना है, कॉर्ड अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स अभी ब्लू कलर का एक कॉर्ड ले लेंगे और जहाँ से 2 कॉर्ड छोड़ा था मैंगो कलर का वहीं से हम आगे के जितनी भी कॉर्ड हैं सभी को हमें डबल डबल टाइम रैप कर लेना है। सो फ्रेंड फर्स्ट वाला कॉर्ड रैप कर लिया, अभी सेकेंड वाला कॉर्ड फिर से ले लिया है ब्लू कलर का और इसके ऊपर हमें जैसे फर्स्ट वाले कॉर्ड्स पे सारे कॉर्ड्स को रैप किया है वैसे सेकेंड वाले पे भी सारे कॉर्ड्स को हमें डबल डबल टाइम रैप करके ले लेना है। सो फ्रेंड्स अभी एक तरफ मैंने कॉर्ड्स को रैप कर लिया है, इसके बाद यहाँ पे भी देखिए 2 कॉर्ड छोड़ देना है मैंगो कलर के स्टार्टिंग में और बीच में 4 कॉर्ड छोड़ेंगे साइड के 2-2 कॉर्ड को लेके फिर से हम यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक सिंपल नॉट लगाना है। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे एक नॉट लगा लिया है, इसके बाद ये 2 कॉर्ड छोड़ा है मैंने इसमें से एक कॉर्ड ले लेना है हमें और इसके इस कॉर्ड पे हम आगे के जितने भी कॉर्ड्स हैं जैसे ऊपर रैप किया है वैसे यहाँ पे भी सारे कॉर्ड्स को हमें डबल डबल टाइम रैप करते जाना है। सो फ्रेंड फर्स्ट वाले कॉर्ड पे रैप कर लिया, फिर इसके बाद सेकेंड कॉर्ड लेना है। सेकेंड वाला जो कॉर्ड था यहाँ पे 2 कॉर्ड छोड़ा था तो जैसे फर्स्ट वाले कॉर्ड्स पे सारे कॉर्ड्स को रैप किया है वैसे ही सेम हमें सेकेंड वाले कॉर्ड्स पे भी सारे कॉर्ड्स को डबल डबल टाइम रैप करके ले लेना है। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे देखिए डिज़ाइन बना दिया है, 3 डिज़ाइन मैंने बनाया है, एक डिज़ाइन बाकी है यानी फोर्थ वाला तो उसे हम बाद में बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ सेकेंड वाला जो कॉर्ड लगाया है सेकेंड डिज़ाइन के लिए इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले की तरह ही ये देखिए जैसे बनाया है सेम यहाँ पे भी एक यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे देखिए एक कॉर्ड ले लेंगे मैंगो वाला और इसके ऊपर अभी जो कॉर्ड मैंने हाफ किया है सारे कॉर्ड्स को डबल डबल टाइम यहाँ पे रैप करके लेना है। अभी इसके बाद देखिए फर्स्ट वाला कॉर्ड पे रैप कर लिया, फिर मैंगो वाला सेकेंड कॉर्ड ले लेंगे और इसके ऊपर भी सारे कॉर्ड्स को यहाँ तक रैप करके ले लेना है। सो फ्रेंड्स अभी सेकेंड वाले कॉर्ड्स पे भी मैंने सारे कॉर्ड्स को रैप कर लिया है। इसके बाद हम देखिए 2 कॉर्ड इसे छोड़ देंगे और ब्लू कलर का साइड से छोड़ दिया है, बीच में हमें मैंगो कलर के टोटल 8 कॉर्ड मिले हैं तो बीच में 4 कॉर्ड्स को छोड़ के साइड के 2-2 कॉर्ड को लेते हुए यहाँ पर हम सिंपल स्क्वायर नॉट एक लगा लेंगे। सो अभी यहाँ पे नॉट लगाने के बाद ये जो ब्लू कलर का कॉर्ड छूटा है इसको फर्स्ट वाला कॉर्ड ले लेंगे और इसके ऊपर सारे कॉर्ड्स को हमें हाफ कॉर्ड्स को रैप करना है, सेम वैसे सेकेंड वाले कॉर्ड्स पे भी रैप करके ले लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अभी इस तरह पे हमें 2 कॉर्ड छोड़ देना है, यहाँ से भी हमें 2 कॉर्ड छोड़ देना है। अब बीच में जो डिज़ाइन के लिए मतलब जो कॉर्ड छूटा हुआ है इसमें से हम क्या करेंगे 4-4 कॉर्ड लेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से हमें 4-4 कॉर्ड लेना है और बीच में हमें टोटल 8 कॉर्ड छोड़ना है, बीच में 8 कॉर्ड छूट जाएंगे और साइड साइड से 4 कॉर्ड यानी 4-4 कॉर्ड को लेके यहाँ पे हम एक सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे बड़ी साइज की। ये देखिए इस तरह से एकदम आराम से हमें यहाँ पे सिंपल एक नॉट लगा लेना है बीच में
दोनों डिजाइन के बीच में। सो यहाँ पे देखिए नॉट लग गया, दोनों तरफ से टाइटली खींच लेना है। इसके बाद यहाँ से अभी देखिए फ्रेंड, फिर से दो ब्लू कलर का जो कॉर्ड बचा है इसको ले लेना है। और अभी यहाँ से हम देखिए कॉर्ड्स को हाफ करेंगे बीच में से दोनों तरफ। देखिए फोर कॉर्ड्स यहाँ पे आ गए और ये फोर कॉर्ड, तो 8 हो गया और ये दो कॉर्ड बचे हैं, टोटल यहाँ पे 10 कॉर्ड हो गया। तो अभी हम इस तरफ 10 कॉर्ड रैप करेंगे, दूसरी तरफ हम 10 कॉर्ड्स रैप करेंगे। तो ये देखिए ब्लू वाला कॉर्ड ले लेंगे और इसके ऊपर अभी हमें 10 कॉर्ड्स को डबल डबल टाइम हमें यहाँ पे रैप करना है। वैसे ही सेकेंड वाले कॉर्ड्स पे भी हम 10 कॉर्ड्स को डबल डबल टाइम करके रैप करके ले लेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कॉर्ड्स को रैप कर लिया है ब्लू कलर के कॉर्ड पे। इसके बाद अभी यहाँ पे हम दो कॉर्ड छोड़ देंगे स्टार्टिंग में, तो साइड का दो दो कॉर्ड, बीच में फोर कॉर्ड्स को छोड़ते हुए सिंपल नॉट यहाँ पे हमें एक लगा लेना है डिजाइन बनाने के लिए। ये देखिए इस तरह से एक सिंपल नॉट लगा लेंगे पहले। अभी फिर से देखिए नॉट लगाने के बाद ये जो मैंगो कलर का स्टार्टिंग में दो कॉर्ड मैंने छोड़ा है उसमें से एक कॉर्ड लेना है और इस तरफ के सारे कॉर्ड्स को इसके ऊपर डबल डबल टाइम रैप करना है। सो फ्रेंड्स सारे कॉर्ड्स को यहाँ पे देखिए मैंने रैप कर लिया फर्स्ट वाले कॉर्ड पे, फिर सेकेंड वाला कॉर्ड ले लेंगे, इसके ऊपर भी सारे कॉर्ड्स को हमें रैप करके ले लेना है। सो यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स रैप कर लिया है और यहाँ पे जैसे ये सेकेंड वाला डिज़ाइन बना है इस तरफ भी मैंने दूसरी तरफ भी डिज़ाइन बना लिया है। अभी ये जो नॉट बनाया है बलूनी नॉट, यहाँ पे बीच में जो फोर कॉर्ड छूटा हुआ है दोनों तरफ से दो दो नॉट आया है ब्लू कलर का, यहाँ पे सिंपल हमें फोर नॉट्स पहले लगा लेना है। अभी फोर नॉट लगाने के बाद बीच का दो कॉर्ड ले लेना है और ऊपर की तरफ दोनों डिज़ाइन के बीच में से कॉर्ड को पास कर लेना है, और पास करने के बाद आगे की तरफ हम कॉर्ड्स को खींच के साइड का एक एक कॉर्ड लेके यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट लगाते हुए ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे इस नॉट को पैक कर लेंगे। तो फर्स्ट वाले की तरह यहाँ पे सेकेंड वाला भी नॉट बलूनी बन के कम्प्लीट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का एक कॉर्ड ले लेंगे और इस तरफ के जो 10 कॉर्ड हैं इन्हें हमें डबल डबल टाइम रैप करके ले लेना है। फिर से यहाँ से देखिए सेकेंड वाला कॉर्ड ले लेंगे ब्लू कलर का और फिर से 10 कॉर्ड्स को जो फर्स्ट वाले कॉर्ड्स पे रैप किए हैं वैसे ही हमें सेकेंड वाले कॉर्ड्स पे डबल डबल टाइम सारे कॉर्ड्स को रैप करके ले लेना है। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे देखिए दो कॉर्ड हमें फिर से छोड़ देना है मैंगो वाला, और बीच में हमें 8 कॉर्ड मिल गया है, बीच में फोर कॉर्ड छोड़ेंगे और साइड के दो दो कॉर्ड को लेके फिर से हम यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे देखिए इस तरह से एक सिंपल नॉट लगा लिया टाइटली खींचते हुए, और इसके बाद यहाँ पे जो ये मैंगो कलर का दो कॉर्ड छोड़ा है इस पे हमें सारे कॉर्ड्स को जो बचे हुए हाफ इन्हें रैप करना है, सेकेंड वाले पे भी सारे कॉर्ड्स को रैप कर लेना है और यही डिज़ाइन हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल यहाँ पे 7 डिज़ाइन मैंने फ्लावर का बना के कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे मैंने देखिए बेल्स भी लगा दिए हैं, तो यहाँ पे जो दो डिज़ाइन बने हुए हैं उनके बीच में जो कॉर्ड बचा था तो उन कॉर्ड्स को लेके फोर नॉट लगाया, फिर साइड से रैप कर लिया, फिर फोर कॉर्ड्स को लेके सिंपल नॉट एक लगा लिया, फिर देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से रेड और स्काई कलर के मैंने बेल्स लगा दिए कॉर्ड में, इसी तरह से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर भी और यहाँ पे भी मैंने ये इतना बना के पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद अभी यहाँ पे हमें बनाना है। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ जो डिज़ाइन बनाया है अभी इस डिज़ाइन को हमें बनाना है यहाँ पे, ये देखिए दोनों तरफ से फोर फोर कॉर्ड लेना है। इसके पहले देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ से साइड से जो नॉट लगाया है आप देख सकते हो स्टार्टिंग में बताया था वैसे सेम मैंने दूसरी तरफ देखिए फ्रेंड्स लगाते हुए,
और यहाँ पे पूरा मैंने इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो ये इतना मतलब ये स्टार्टिंग में जैसे बनाया था वैसे एंड में भी हमने डिज़ाइन बना के कंप्लीट किया है। सो फ्रेंड्स अब यहाँ से हमें देखिए फोर कॉर्ड लेना है, दोनों तरफ से दो दो कॉर्ड लेना है, तो हमें फोर कॉर्ड्स मिल जाएंगे और इसको लेके सिंपल स्क्वायर नॉट लगाना है। तो यहाँ पे हम टोटल फोर यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो ये देखिए एक नॉट लगा लिया, फिर से दो कॉर्ड लेना है नॉट में से और दो बाहर से, इसी तरह से हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे फोर नॉट मैंने लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉर्ड्स को हाफ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे टोटल एट कॉर्ड है तो फोर फोर कॉर्ड हमें यहाँ पे अलग कर लेना है। तो अभी स्टार्टिंग का एक कॉर्ड ले लिया और आगे के जो तीन कॉर्ड बचे हैं इन्हें हमें डबल डबल टाइम यहाँ पे रैप करके लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे रैप कर लिया। अभी दूसरी तरफ आ जाना है तो फर्स्ट वाला कॉर्ड ले लेंगे और आगे के जो तीन कॉर्ड बचे हैं इन्हें डबल डबल टाइम हमें रैप करके लेना है। ये देखिए टाइटली यहाँ पे हम कॉर्ड्स को रैप करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए रैप कर लिया। अभी लास्ट में दोनों कॉर्ड आ गए हैं, एक एक कॉर्ड दोनों तरफ से, इन्हें भी साथ में इस तरह से रैप कर लेना है। फिर इसके बाद हम फोर कॉर्ड लेंगे और फोर कॉर्ड को लेने के बाद सिंपल एक नॉट यहाँ पे लगा देंगे टाइटली टाइटली। यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगाना है। ये देखिए इस तरह से सिंपल एक नॉट लगा दिया यहाँ पे। तो अभी इसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स फोर कॉर्ड बचे हुए हैं मैंगो कलर के, तो फोर कॉर्ड लेते हुए यहाँ पे एक हम फिर से सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेंगे, जिससे कि दोनों डिज़ाइन जो यहाँ पे बने हैं एक दूसरे के साथ यहाँ पे जॉइंट हो जाएंगे। तो एक सिंपल नॉट यहाँ पे टाइटली लगा लेना है। इसके बाद फिर से यहाँ पे जैसे ये डिज़ाइन बना है यहाँ पे फोर नॉट लगा के डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड फर्स्ट वाले की तरह सेकेंड वाले यहाँ पे भी नॉट लगा लिया है। फिर बीच के हम कॉर्ड्स को 2.5 इंच पे या 3 इंच पे कट कर लेंगे। फिर बेल्स ले लिया है, रेड कलर का बेल्स अभी लगाएंगे दो कॉर्ड में। हल्का सा कॉर्ड को यहाँ पे मेल्ट करके नुकीला बना लेना है और इसमें हम बेल फंसा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और दोनों कॉर्ड को हल्का सा मेल्ट करके एक दूसरे के साथ यहाँ पे हमें चिपका देना है। और देखिए जो फोर कॉर्ड्स था तो ऊपर वाला जो साइड साइड का कॉर्ड था उसमें भी मैंने यहाँ पे एक एक बेल फंसा लिया है और उसको मैंने 1.5 इंच पे कट कर लिया है। और इसको क्या करेंगे, हल्का सा मेल करके हम पीछे की तरफ कॉर्ड्स को चिपकाएंगे। जो साइड वाले बेल्स कॉर्ड में बेल फंसाया है इनको हमें पीछे की तरफ चिपका लेना है, जिससे कि ये थोड़ा सा डिफरेंट में और दिखने में भी खूबसूरत लगेगा। ये देखिए छोटे बड़े में। तो यहाँ पे इतना मैंने बना के कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। बेल्स लगा दिए हैं दोनों तरफ मैंने और कॉर्ड्स को जो एक्स्ट्रा कॉर्ड थे उन्हें मैंने कट कर दिया सीजर से, और बाकी जो कॉर्ड बचे हुए हैं छोटे इन्हें लाइटर की मदद से हम हल्का हल्का सा मेल करके सारे कॉर्ड्स को हम पीछे की तरफ चिपका देंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पूरा बेल्स वगैरह लगा के कंप्लीट कर लिया है एक्स्ट्रा कॉर्ड को कट करके, और पीछे की तरफ मैंने लाइटर की मदद से अच्छी तरह से मेल करते हुए चिपका दिया है। सो फ्रेंड्स ये माइक्रम का बहुत ही सुंदर सा फ्लावर डिज़ाइन का तोरण बनके कंप्लीट हो गया। यदि फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा आगे के वीडियोज़ के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।